वेलकम और वेलकम बैक। तो हमारी आर्मी ने एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को अपना ब्लड डोनेट करा है और उसकी जान बचाई है। ये पूरा इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको डिस्कस करते हैं। इस टेररिस्ट का नाम है तबारक हुसैन और ये इन्फिल्ट्रेट करते हुए पकड़ा गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जम्मू रीजन के पास। एक्चुअल में जब इन्फिल्ट्रेशन की जो खबर मिली हमारी आर्मी को, उन्होंने गोलियां बरसाई और उसी फायरिंग में ये घायल हो गया। एंड उसके बाद इसको आर्मी ने हॉस्पिटलाइज करवाया और इसको ब्लड डोनेट करा इसकी जान बचाने के लिए। अब क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि हमारी आर्मी ने एक टेररिस्ट को सेव क्यों करा है, जबकि टेररिस्ट आया था हमारे यहाँ तबाही मचाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, सुसाइड अटैक करने के लिए, तो हमारी आर्मी ने ऐसा क्यों बचाया है। अच्छा, एक मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा माना जाता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम कर जाता है, वो तो रीज़न है ही। उसके अलावा जो रीज़न है वो सेफ्टी रीजंस आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी टेररिस्ट को नहीं बचाते तो हम उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते थे, उसको किसने भेजा, कैसे आया, किस लिए भेजा, कहाँ अटैक करना था, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंट्री की और लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो जब इस टेररिस्ट को होश आया, उसने अपने बयान में बताया कि जो पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल है यूनुस चौधरी, उन्होंने चार लोगों को पैसे दिए थे, जिन चार लोगों में से हुसैन भी एक था, कि जाओ और इंडिया में अटैक करो, सुसाइड बॉम्बिंग करो। ठीक है, तो हाउ डिग्रेडिंग इट इज़। वैसे भी हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज़ फायर अनाउंस हुआ था कुछ महीने पहले और फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, सीज़ फायर का वायलेशन करते ही रहते हैं। हुसैन ने ये भी बोला कि वो 2016 में भी एक बार अटैक करने के लिए आया था बट फेल हो गया था, तो वो वापस चला गया था। एंड दूसरी बात, ये लश्कर ए तैयबा ग्रुप से हैं, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो ट्रेनिंग देता है लोगों को सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए। और ये जो लश्कर ए तैयबा ऑर्गेनाइजेशन है, ये POK में ही है ये ग्रुप जो कि ट्रेनिंग दे रहा है। और इन्हीं लोगों में से चार लोगों को चुनकर पाकिस्तानी कर्नल ने पे करा इंडिया में अटैक कराने के लिए। इनसे अपनी कंट्री नहीं संभल रही है, पाकिस्तान को वैसे भी आपको पता ही होगा 15th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो वापस लेना पड़ा, इतने ज़्यादा POK में प्रोटेस्ट हो गए। लोग चाहते ही नहीं थे कि वो POK एक प्रोविंस बन जाए पाकिस्तान का और पाकिस्तान POK को कंट्रोल करे। ये 24th टाइम इन्होंने ट्राई करा था POK को अपने में मिलाने का, अपनी प्रोविंस बनाने का, लेकिन ये नाकामयाब रहे। ऊपर से इमरान खान को आतंकी घोषित कर दिया है, उधर बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट होते रहते हैं बिकॉज़ दे वांट इट टू बी अ फ्री कंट्री स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। तो इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी इनस्टेबिलिटी है फ़िलहाल पाकिस्तान में एंड स्टिल वो इतने गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। सो नहीं करने चाहिए, अपनी कंट्री को संभालना चाहिए पहले। So this was the news for you guys. I hope you like this. If you like this, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.